समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय कैसरबाग लखनऊ पर जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत एवं निवर्तमान महासचिव शब्बीर अहमद खान की उपस्थिति में बाबा साहेब वाहनी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष इंजीनियर संतोष कुमार भारती द्वारा दर्जन लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें विनीत लोधी के साथ अमर राजपूत, सतेज लोधी, अमित लोधी, राहुल गौतम, अखिलेश लोधी, आकाश लोधी, आदित्य गौतम, सुनील गौतम, सुशील गौतम, अनुज लोधी, आनंद लोधी, रविंद्र लोधी, पवन लोधी, नीरज गौतम, अजय शर्मा, सूरज पाश्री, रोहित लोधी, मुकेश गौतम, अशोक कश्यप, रवि गौतम, मोहित गौतम, नितिन लोधी के साथ राकेश लोधी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता टीबी सिंह, महेश सिंह लोधी, अनिल पासी, अनिनी प्रकाश यादव, शशिलेंद्र यादव, उपेंद्र राजपूत लोधी, अमर राजपूत के साथ अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या उम्मीदें हैं आगे? विनीत लोधी जमीन से जुड़े नेता, गरीबों का दर्द जानते हैं। अगर किसी को चोट लगती है रात में 12 बजे विनोद लोधी उसको लेकर के अस्पताल लाने का काम करते हैं। विनोद लोधी अपने आप में एक पहचान है लखनऊ में, जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने लिए कुछ नहीं लड़ते हैं। इनके पास जो कुछ है सब जनता का, इनका अपना कुछ भी नहीं है। ये विचारधारा है विनोद लोधी, और समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके। जिला पंचायत के चुनाव इन्होंने अपनी मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से जीता, और आप सब लोग जो आज इनके शामिल होने से बख्शी तालाब और ऊपर लखनऊ, सीतापुर, आसपास सभी क्षेत्रों में बड़ा हर्षोल्लास के साथ, और ये अप्रैल का महीना बाबा साहब का महीना है। ये हम सब लोग पहली तारीख से ही बाबा साहब की जयंती को लेकर के तैयारियाँ शुरू करते थे। खुशहाली में बाबा साहब 14 तारीख को जन्मदिन आने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं, समाजवादी और अम्बेडकरवादी मिलकर, और गरीब मजदूर किसान बहनें हमारी और हमारी देवतुल्य जनता सब भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। सभी लोग परेशान हैं, देश में बहुत बुरा हाल है, एकदम जिसको कहते हैं कि कह का माहौल है देश के अंदर। सभी लोग को परेशान करना, जबरदस्ती कोई हर चीज़ को करना, तो जबरदस्ती जनता आप जागरूक हो गए इस बार नगर निगम चुनाव में और नगर पंचायतों में, नगर पालिका में, लोकसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूरी तरह सामने हराने जा रही है। पार्टी में ज्वाइन हुई, क्या कुछ सोच कर समाजवादी को ज्वाइन किया? जो पूरे प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई चरम पे है, पूरे प्रदेश में गुंडा राज है, आज संविजीकरण हो रहा है, नौकरी निकल नहीं रहे, जनता पूरी परेशान है। आने वाले नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सरकार में जा रहे हैं, हम लोग तैयारी करें, मेहनत करेंगे, हम लोग काम करना है पार्टी के लिए, काम करना, ताकत लगाना है, सरकार कैसे बने, मेहनत करना है। सर क्या कहना चाहेंगे? आज विनीत लोधी वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत सदस्य लखनऊ और OBC महासभा के लखनऊ के मंडल के अध्यक्ष हैं। ये जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे तो इनके पास न धन थी न दौलत थी, एक मोटरसाइकिल से ये चुनाव लड़ रहे थे, जबकि कहा जाता है कि चुनाव जो है वो धनबल और बाहुबल का है। उन सारी चीज़ों को धता बताते हुए उन्होंने वार्ड नंबर 5 से सामान्य सीट में चुनाव जीता। निर्दलीय चुनाव होता है क्योंकि समर्थन होता है किसी पार्टी का, लेकिन उस समय सिंबल तो मिलता नहीं है, तब भी आप समझिए कि समर्थन भीम आर्मी से या बसपा से इनको समर्थन मिला और ये चीज़ों को लेकर के जीत रहे थे। ये लंबे समय तक काम करते रहे बसपा से, बसपा में काम किया है काफ़ी समय तक, लेकिन बात यह है कि अब शहर की सरकार बनाने का और लोकसभा में इस देश की सरकार बनाने का समय आ गया। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही विकल्प, या तो हम समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं और या फिर अब बटे हुए रहें। बटे हुए रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2024 में और 2027 में फिर से आने जा रही है, तो हम सारे लोगों को समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम सारे लोग बहुजन समाज के जो दलित और पिछड़े वर्ग से लोग हुए हैं उन सारे लोगों को पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं। हमारी नगर पंचायत BKT से मैं वैसे अम्बेडकर वाहिनी लखनऊ का जिलाध्यक्ष हूँ, जय सिंह जयंत हमारे बड़े भैया आदरणीय लखनऊ के जिलाध्यक्ष हैं, इनके आशीर्वाद से, सहयोग से मुझे ये ओहदा मिला, इनका समर्थन रहा। इन्होंने दलित पिछड़ों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा,
अगर समाजवादी पार्टी लखनऊ में मजबूत हो रही है तो उसमें बहुत बड़ा सबसे बड़ा योगदान मेरे नेता का तो है ही है, उसके साथ साथ आदरणीय जयसिंह जैन साहब का है, क्योंकि ये जितने मिलनसार और समाज के हर वर्ग को जोड़ करके चलने का काम करते हैं उन्हीं के नेतृत्व में और मेरे इनसे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं विनीत लोधी लारा जी के साथ, तो ये हमारी नगर पंचायत में मैं प्रत्याशी भी बनने जा रहा हूँ अगर अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहेगा तो, ये सारे लोगों को समीकरणों के हिसाब से लोकसभा जीतने के लिए सारे समाजों को आप कहिए कि अगर कहा जाता है जाटा या चमार बिरादरी का जो वोट है वो बसपा का वोट है तो मैं उस जाते जाता हूँ, मैं वहाँ प्रत्याशी अगर बनाती है मुझे पार्टी तो लोधी जी बैकवर्ड समाज से हैं और ये कहता कहा जाता है भाजपा का वोटर है, अगर ये भी हमारे सब लोगों के साथ मिलकर के आता है तो नगर पंचायत बीजेपी समीकरण के स्तर पर और नेता के स्तर पर चीज़ें हम लोगों के पक्ष में रहेंगी। तो विनीत लोधी जी इस शहर की सरकार बनाने से लोकसभा की सरकार बनाने उसके बाद 2027 में हमारे अखिलेश यादव जी आदरणीय मुख्यमंत्री को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।